राजयोग के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको कहते हैं गोल्डन प्लेन। तो गोल्डन प्लेन आपका डेट और बर्थ में कैसे बनता है, लोसो ग्रेट से आप समझिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए गोल्डन प्लेन के बारे में जानते हैं, जिसको राजयोग बोलते हैं। एक डेट और बर्थ लिया है, इसको हम टोटल डेट और बर्थ को हम जोड़ दिया, तो जोड़ला के बाद यहाँ पर 34 नंबर निकल के आया। 34 नंबर को आपस में जोड़े तो यहाँ 7 अंक निकल के आया, भाग अंक। भाग अंक इनका भी 7 निकल के आया है, जो मजबूत निकल के आया है। राहु का नंबर और एक गुरु का नंबर मिल के एक भाग अंक बनाया है। अब यहाँ पर चलते हैं, एक सूर्या का नंबर एक बुध का नंबर मिलकर यहाँ पर 6 नंबर बनाता है, इसको मेटल एलिमेंट बोलते हैं, और शुक्र का भी नंबर बोलते हैं। तो आज इस लोसो ग्रिड में हम उस नंबर को फिट करेंगे और देखते हैं कि इनका राजयोग बनता है कि नहीं बनता है। जब राजयोग बनता है तो उसके बारे में, राजयोग के बारे में हम आज बताएंगे, और राजयोग के बारे में भी बताएंगे। और इसमें एक गुप्त नंबर होता है, जो नंबर बहुत पावरफुल नंबर होता है, उस नंबर के बारे में भी बताएंगे कि वो नंबर कैसे निकाले और नंबर क्या चीज़ में काम करता है। तो चलिए हम इस नंबर को डेट और बर्थ में भरते हैं। देखिए यहाँ पर मूलांक 6 आया है, मूलांक 6 को हम यहाँ पर लिखें। यहाँ पर 7 नंबर 3 मरते आया है, तो 7 नंबर 3 मरते आया, तो 3 मरते हम इस घर में लिख लिया है। तो इसको मेटल एलिमेंट दोनों अंक को बोलते हैं, 6 नंबर को भी मेटल एलिमेंट बोलते हैं, 7 नंबर को भी मेटल एलिमेंट बोलते हैं। एक मरते 9 नंबर आया है, एक मरते जब 9 नंबर आया है, और 2 मरते सूर्या का नंबर 1 आया है, इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं, 9 नंबर को फायर एलिमेंट बोलते हैं। तो 2 मरते सूर्या का नंबर 1 आया है, इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं। अब एक मरते राहु का नंबर 4 आया है, इसको गुड एलिमेंट बोलते हैं। और एक मरते 5 नंबर आया है, इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, और बुध का भी नंबर बोलते हैं। तो नंबर हम टोटल लमसम भर लिए हैं, अब इसमें नंबर कोई बाकी नहीं रहा। बाकी इस लोसो ग्रिड में जब भरे हम नंबर, तो बाकी घर खाली हो गया। 8 अंक का घर खाली हो गया, यहाँ पर 8 अंक होता है, यहाँ पर 3 अंक होता है, और यहाँ पर 2 अंक होता है। 2 अंक माँ के लिए होता है, और 3 अंक होता है रोज का इनकम के लिए और पढ़ाई के लिए, और 8 अंक होता है किसी से काम ले लेना है, गुंडा हो, बदमाश हो, चोर हो, लुटेरा हो, सबसे काम आदमी ले लेता है। तो इस 3 गो नंबर मिस किया, बाकी नंबर है। और इसमें 2 मरते सूर्या का नंबर आया है, और 1 मरते 9 नंबर आया है, तो इसको फायर एलिमेंट कहते हैं, इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं। तो वाटर एलिमेंट 2 मरते आया है, तो 2 मरते आया है, अगर 9 नंबर 1 मरते यहाँ रहता और 1 1 मरते रहता तो दोनों बराबर कर जाता, तो 10 रुपया लेना है, 10 रुपया देना है। अगर 2 मरते यहाँ 1 आ गया तो 1 मरते 1 माना जाएगा, और यहाँ पर 2 मरते 9 रहता तो 1 मरते 9 माना जाता, इसलिए 19 में है ये, तो ये 9 मिसिंग माना जाएगा, आधा सुधा ये 9 माना जाएगा। तो अब चलते हैं राजयोग के बारे में, आपको हम बताते हैं। 4 अंक होता है बैंक बैलेंस का, पैसा इकट्ठा करने का और कमाने का, ये बहुत लगन से आदमी कमाता है और पैसा के पीछे भी ये व्यक्ति भागते हैं और पैसा खूब कमाते हैं। अब क्या क्या चीज़ में कमाते हैं, जैसे जगह जमीन का भी कारोबार कर सकते हैं, बड़ा फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं, और चाहे कोई विदेश में भी जाके ये नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी जिसको जॉब कहते हैं। अब आ जाते हैं 5 अंक के, तो 5 अंक होता है कॉन्फिडेंस का नंबर होता है,
इनके अंदर कॉन्फिडेंस, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, और ये मतलब कि कहों भी जाते हैं तो अपना काम बना लेते हैं, और कोई भी काम पर ये फोकस कर जाते हैं, और काम को जो है से तुरंत चाहेंगे कि मेरा काम हो जाए। अब आ जाते हैं सिक्स नंबर पर, तो सिक्स नंबर जो होता है इसको मेटल एलिमेंट बोलते हैं, और इसको शुक्र का भी नंबर बोलते हैं। तो ये गाड़ी बंगला ऐसो आराम का जिंदगी देता है, नौकर चाकर, और समय पर आपको ड्राइवर भी मिल जाएगा। जिसके डेट ऑफ बर्थ में सिक्स नंबर रहता है, इनका मूल अंक आया है, तो इनके पास समझिए कि लग्जरी का कमी नहीं है, दो गो तीन गो गाड़ी और दो ठगा तीन ठगा इनका घर मकान होगा। अब ये तीनों नंबर अगर आपस में जोड़ते हैं तो ये कोना बाई कोना बनता है, तो जब कोना बाई कोना बनता है तो ये प्लेन बन गया, तो जब ये प्लेन बन गया तो इसी को राजयोग बोलते हैं। चार पाँच और छः, तो चार पाँच छः जब आपका डेट और बर्थ में है तो ये राजयोग बन जाता है। बाकी राजयोग कब से राज आपका मिलेगा, राजयोग कब से बनेगा, ये भी बात है। जब यहाँ पर आठ अंक नहीं है तो आपको 35 के बाद राजयोग का अनुभव मिलेगा, और आनंद 36 के बाद ले सकते हैं। तो राजयोग जब 35 में बनेगा और 36 में आनंद लीजिएगा, फिर 40-45 में आप पूरे भरपूर राजयोग का मजा ले सकते हैं। जब मट्टी भी छुइएगा तो सोना बन जाएगा, इसी को कहते हैं भूत हर जोतना। देहाती भाषा में, गांव के भाषा में कहते हैं कि भूत हर जोतना। तो इनका राजयोग बन गया, और इनका जो डेट और बर्थ को टोटल को जोड़ के जो भाग अंक लाया, तो इनका मेटल एलिमेंट सात जो है से तीन मरते रिपीट कर गया, तो ये इनका पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त इनका बन गया। देखिए हम डेट और बर्थ से हम राजयोग के बारे में बता रहे हैं। पांच अंक जो होता है किसी भी दिशा में जाके, किसी भी क्षेत्र में जाके आप काम कर सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, और लेबर मजदूर को भी खटा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ठेकेदार भी होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बनाता है, जमीन के कारोबार भी करता है, मतलब कि बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाते हैं 36 के बाद। 35-36 के बाद ही जो है से इनका ग्राफ जो होता है पैसा का ऊपर में है, बढ़ने लगता है। जब इतना बढ़ने लगता है कि इनके पास पैसा हाली खत्म नहीं होता है, इसलिए कि जिनका डेट और बर्थ में राजयोग बन जाता है तो ईश्वर का इन पर भरपूर कृपा होता है। कहूँ भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, कुछ मांगेंगे तो इस पर ईश्वर इतना खुश रहते हैं कि तुरंत इनको मिल जाएगा। ताकि इनका जो कहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्रेबल, यहाँ पर दो जब दो अंक नहीं है, मिसिंग है, तो इनका जो है से माता पिता को थोड़ा सा तबीयत खराब रहेगा, और उनके वजह से इनका थोड़ा सा मानसिक तनाव बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर आठ अंक रहता तो इनका राजयोग में चार चांद और लग जाता, बाकी जब आठ अंक इनका नहीं है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जल्दीबाजी में जो पैसा कमाते हैं, इनके पास जो पैसा आ जाता है तो कुछ थोड़ा सा गलती में पकड़ा जाते हैं, और ये थोड़ा सा केस मुकदमा में भी फंस जा सकते हैं। ये डेट और बर्थ से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति केस मुकदमा में भी फंस जाते हैं जब आठ अंक मिसिंग है। ये शनि का अंक है, शनि थोड़ा सा डर देता है, क्या कि राहु तो पैसा देगा, और पांच अंक भी हो गया बिजनेस का अंक, इसको बुध का भी अंक कहते हैं, और छः नंबर हो गया लग्जरी का। तो तीनों नंबर मिल के इनको पैसा अथाह देने लगेगा, जब अथाह पैसा देने लगेगा तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में गड़बड़ चलेगा, जब गड़बड़ चलेगा तब जाके शनि महाराज कुछ दंडित करते हैं, और उसके बाद जो है इनका कुछ ना कुछ केस मुकदमा में ऐसा व्यक्ति फंस जाते हैं। अब चलते हैं गुप्त नंबर के बारे में बताते हैं। कोई भी ज्योतिष के आप वीडियो देखे होंगे, बाकी ये गुप्त नंबर को बारे में नहीं बताया होगा। ये नंबर आपका बाल बच्चा के बारे में भी बताता है, और आपका कॉन्फिडेंस के भी बारे में बताता है, और आपका करियर के भी बारे में बताता है। इसको
कुआं नंबर वन कहते हैं, कुआं नंबर भी निकालना जाता है। तो कुआं नंबर जो है सो चार अंक लेके निकालते हैं, बाकी वैसे कुआं नंबर टू हो गया, बाकी कुआं नंबर वन के बारे में बताते हैं। तो कुआं नंबर वन को कैसे निकालना है इसी को आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज कुआं नंबर वन के बारे में बोलते हैं। दो को यहाँ पर सात है, या दोनों सात को आपस में जोड़ेंगे तो 14 नंबर निकल के आएगा। 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 अंक निकल के आएगा। तब इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, 5 अंक जो होता है कॉन्फिडेंस को होता है, तो यहाँ पर डबल 5 इनका आ जाता है। तो 5 अंक जो है ये गुप्त अंक है, ये अंक के बारे में बहुत सा व्यक्ति कम जानते हैं। ये बच्चों के बारे में बताएंगे, यहाँ पर 5 अंक निकल गया चाहे 3 अंक निकल गया, तो बेटा होगा कि बेटी होगा ये अंक बता देता है। तो यहाँ पर ये अंक बताता है, ये जिनका डेट और बर्थ लिया है इनका 6 गो बेटा बेटी मिला के 6 गो इनके पास औलाद है, इनका बेटा बेटी मिला के औलाद 6 गो है। तो इनका हम जब डेट और बर्थ को हम देखा तो हम कहें कि ऐसा डेट और बर्थ तो हम कम से कम इतना दिन ज्योतिषी करते हुए हो गया, बाकी हम पहली बार से ऐसा डेट और बर्थ देखें जो इनका राजयोग भी बन रहा है। अब परिवार सपोर्टिंग का नंबर बहुत ज़बरदस्त इनका है। तो हम आज इतना ही वीडियो में बताएंगे राजयोग के बारे में। आप किसी का भी डेट और बर्थ में, ऐसा तो सबका डेट और बर्थ नहीं हो सकता है, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है ये, इनके पर ईश्वर का कृपा भी है, ऐसा डेट और बर्थ नहीं हो सकता है। बाकी आपका डेट और बर्थ में कभी राजयोग मान के चलिए कि आपका 4 और 5 अच्छे बन है तो आपका राजयोग बन जाता है। अगर 7 अंक भी नहीं भी है फिर भी आपका राजयोग का पामर मिलेगा, आई आपको पूरा भरपूर आनंद जीवन का देगा और लग्जरी भी देगा, ऐसो आराम का जिंदगी ये देगा। 4 अंक इसलिए कि बैंक बैलेंस का पैसा इकट्ठा करने का है, और 4 अंक मेहनत कराता है, और 5 अंक जो होता है कॉन्फिडेंस का है, तुरंत किसी भी काम पर डिसीजन ले लेना, और 6 नंबर जो होता है गाड़ी बंगला ऐसो आराम ड्राइवर और नौकर चाकर आपको देता है। तो ये राजयोग के बारे में आज हम बताए हैं, कल और किसी नंबर के बारे में हम आपको बताएंगे। मेरा चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा चैनल कैसा लगता है।